अरे बेटे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू। 9.2 का थर्ड क्वेश्चन से शुरू हो रही है। दो पार्ट हम कर चुके हैं 9.2 के, ठीक है। अगला स्टार्ट करते हैं। 9.2 चल रही है अपनी, और ये वीडियो का पार्ट नंबर शायद 5 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 होगा, कौन सा 5 ही होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 और एक्सरसाइज चल रही है 9.2। 9.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, अब आपको बार बार नहीं बताएंगे, कंसेप्ट अच्छे से समझो। अब सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, अब हर क्वेश्चन में वो टाइप करूँगा सिर्फ जो आपको दिक्कत करेगी, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें कैसे टाइप है सारे क्वेश्चन में वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये टाइप आप आगे भी करते हो, पिछली एक्सरसाइज में भी करके आए थे। तब आपने कैसे किया था, रूट के अंदर क्या यहाँ पे एक्स माइनस ए है, तो ऊपर एक्स माइनस ए बना लो, ठीक है। तब आपने कैसे किया था बता देता हूँ, कह रहे हैं इसको ऐसे कर सकते हैं हम, नीचे एक्स माइनस ए है ना रूट के अंदर, तो इसको एक्स माइनस ए बना लेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग ए, तो यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस ए अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा, और ए अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ए। दो पार्ट बना दिए मैंने इसको, ये क्या है, एक्स माइनस ए का रूट हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, 1 और ये आधी पावर कर जाएगी तो ऊपर आधी पावर बचेगी। इस पावर को ले जाएंगे ऊपर, और मेरे ख्याल से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, एक्स की पावर ए के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब पावर 1/2 लगा है, तो क्या है, लीनियर के ऊपर पावर आए तो क्या करेंगे, लीनियर की पावर में जोड़ देंगे, बट एम पावर लगा देंगे, नीचे का लीनियर का डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा, लीनियर की पावर में जोड़ देंगे एल, तो क्या 2/3 एक्स माइनस ए की पावर 3/2 टू ए एक्स माइनस ए की पावर 1/2 प्लस। ये तरीका हो गया किसका, लास्ट जो एक्सरसाइज थी ना 9.1, उसमें तुमने ऐसे क्वेश्चन करे थे। अब मैं आपको टाइप लिखवा देता हूँ, इनको याद करना नोट, ठीक है। दूसरे मैथ का ये नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूँ उनको आप याद करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट देखो, सवाल ये आ जाए रूट लीनियर, और रूट के अंदर लीनियर आ जाए, ठीक है। सेकेंड टाइप देखो, लीनियर अपॉन रूट के अंदर लीनियर आ जाए। लीनियर का तो तुम्हें पता ही ना क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है। दो टाइप हो गए, लीनियर इंटू रूट के अंदर लीनियर, लीनियर अपॉन रूट के अंदर लीनियर आ जाए। तो इन दोनों टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे इसको, जो रूट वाला लीनियर है ना उसको रूट समेत टी पुट कर देगा। क्या करेंगे, उसको रूट समेत टी पुट कर देंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि थर्ड का कौन सा पार्ट है, फिफ्थ और सिक्स दोनों जैसे हैं, ठीक है। कौन सा कर रहा हूँ, चलो मैं सिक्स लगाता हूँ, सिक्स, ठीक है। 3+7x इंटू क्या हो यहाँ पे, तो 9-3x, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लगा यहाँ पे बताओ, लीनियर है ये, है ना लीनियर, ये भी क्या लीनियर है, ऊपर लगा हुआ रूट, तो कौन सी टाइप हो गई, ये तो टाइप है लीनियर इंटू रूट के अंदर लीनियर है। तो क्या करेंगे, इस रूट वाले लीनियर को टी पुट कर देंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, पुट कर देंगे इस लीनियर को रूट से मैं टी पुट कर देंगे। ये टाइप आ गया ना, अच्छा थे ये वाली टाइप हो रही है। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, पहले स्क्वेयरिंग कर दो ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कहते स्क्वेयरिंग, यहाँ से एक्स के लिए निकालेंगे, 3x को चले आए, टी स्क्वेयर को ले लेंगे, 9-3 स्क्वेयर, एक्स के लिए क्या हो गया, 9-3 स्क्वेयर अपॉन 3, एक्स के लिए निकाल दिया हमने फिर यहाँ से। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डायरेक्टिव 1 के साथ आ जाएगा dx, ठीक है। 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, इसे कर देंगे डेरेवेटिव, 9 का 0, इसे क्या होगा, -2t dt, ये आ गया बेटा dx के लिए आ गया। अब रख देंगे इंटीग्रेशन में, आइए क्या होगा देखो, 3 तो यहाँ कहें 7 इंटू एक्स है, एक्स के लिए कितनी है बेटा, ये एक्स के लिए क्या होगा, तो 9-3 स्क्वेयर अपॉन 3 आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तो हमने रख दिया,
इसकी जगह क्या रखेंगे, टी टी इन टू में डी एक्स, डी एक्स जगह क्या रखोगे माइनस टू बाई थ्री डी एंड डी एक्स वैल्यू करें। तो अब क्या बन गया देखो यहाँ पे टू बाई थ्री, तो माइनस का टू बाई थ्री तो बाहर निकाल देंगे, तो कॉन्स्टेंट से तो बाहर निकाल देगा तुरंत, तो बाहर आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, इसको इस ब्रैकेट के अंदर अंदर सोल्व कर लेंगे, इसके अंदर अंदर सोल्व कर लेंगे जो भी आ रहा है। इसका लेंगे एलसीएम थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, क्या क्या हुआ सेवन आएगा, सेवन इंटू नाइन सिक्स टू थ्री क्या क्या हुआ सेवनटी उसके रूप में ठीक है बेटा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी, फिर तीन बार निकाल देंगे टू बाई नाइन बार आ गए, ये कितना होगा सेवेंटी टू, सेवेंटी टू इंटू टी स्क्वायर, सेवेंटी टू टी स्क्वायर आ गया ठीक है। इसको करेंगे इसमें ना माइनस सेवन टी की पावर फोर मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, कर दो टी की पावर दो का क्या होगा टी की पावर थ्री बाई थ्री भाई कॉन्स्टेंट बार आ जाएगा, ये आ जाती है फिर क्या होगा टी की पावर फाइव पॉइंट फाइव प्लस ये आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब टी की वैल्यू रख देंगे, टी की जगह क्या है ये रहा जहाँ पर टी वहाँ रखते हैं वैल्यू, इंटीग्रेशन हो गया तो टी की जगह रख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर नौ पेज नंबर सत्रह ठीक है। देखो क्या करेंगे, ये क्या था यहाँ पे आंसर करना है, माइनस नाइन बाई टू ट्वेंटी फोर टी क्यूब माइनस सेवन बाई फाइव टी क्यूब पर फाइव प्लस ये आया ठीक है। 24 टी की जगह क्या रखें, टी की वैल्यू यार 9 माइनस थ्री एक्स का रूट, तो क्या हुआ 9 माइनस थ्री एक्स का रूट और ऊपर पावर तीन लगाएंगे, रूट मतलब 1 बाई टू की पावर थ्री हो जाएगी, तो क्या होगा 3 बाई टू पर हो जाएगी ना, क्या रखेंगे 9 माइनस थ्री एक्स की पावर 1 बाई टू, 1 बाई टू की पावर 5 पावर आएगी, तो 5 बाई टू पावर हो जाएगा दिस आंसर ठीक है। ये क्या आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट ना, कौन सा था तीसरे का सिक्स पार्ट है ठीक है। ऐसे आपने ये करना है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगर 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 देखो अगर अगर ऐसा ना हो तो आपने टाइप पीछे पड़ी हुई है, तो आपने क्या किया था पता है, रूट के अंदर क्या 9x माइनस 9 माइनस 3x, किसको 9 माइनस 3x मान लो, कैसे बनाया था याद है, पहले सात को मन निकाल देंगे यहाँ पर x बचेगा, फिर उसको माइनस 3 से कूड़ा कर देंगे है ना, तो माइनस 3x आ जाएगा, तो 9 जोड़ देंगे 9 घटा देंगे और आप आराम से कर दोगे आंसर सेम आएगा ठीक है। लेकिन एक टाइप ये है क्या, लीनियर बार हो रूट के अंदर लीनियर हो तो क्या करेंगे, रूट वाले लीनियर को टी पर करेंगे ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना ना तो फिर मुझसे पूछना, एक ही टाइप आती है ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट भी तुम ऐसा कर सकते हो, ऊपर क्या लीनियर नीचे क्या रूट के अंदर लीनियर है, तो ये टाइप बन गई लीनियर अपन रूट के अंदर लीनियर आएंगे, तो क्या करेंगे रूट वाले लीनियर को टी पर करेंगे, तो हम इसको सारे को टी पुट करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, प्रैक्टिस कर लेना ठीक है। तो ये दो टाइप तुम्हें अच्छे से पता समझ में आना चाहिए ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, हाँ ये देखो कौन सा क्वेश्चन, तीसरे का सेकंड और थर्ड, ये देख लो ठीक है। डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स इंटू वन प्लस रूट एक्स प्लस अगर तुम कर सकते हो आराम से, कैसे देखो ये वन बाई रूट एक्स आ रहा है, वन बाई रूट रूट एक्स किसका होता है डेरेटिव, किसके डिफरेंशियल में आता है, रूट एक्स के डिफरेंशियल में आएगा, तो रूट एक्स हमारे पास ये रहा, तो अपन क्या करेंगे रूट एक्स को टी पर करते हैं, तो डेरेटिव इसे क्या बताओ पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे इंटू बेस का डेरेटिव ठीक है। तो ये तो देखो सॉरी सॉरी तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पे टू डिट्टी वन प्लस टी आ जाएगा ठीक है, टू बार निकाल देंगे और ये जो वन बाई लीनियर क्या होता है लॉग ऑफ लीनियर, अरे क्या बन गया टू तो बार आ गया वन बाई लीनियर बन गया, वन बाई लीनियर क्या क्या होता है लॉग ऑफ लीनियर अपन लीनियर का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ लीनियर अपन लीनियर का डेरिवेटिव वन ही आएगा, इसलिए मैं लिखा नहीं आ रहा टी की वैल्यू क्या रखेंगे रूट एक्स लेना किसी का ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे करना है तीसरे का सेकंड पार्ट ठीक है, तीसरे का थर्ड पार्ट आपको दिक्कत करेगा, तो तीसरे का थर्ड मैं बता देता हूँ ठीक है भाई। तीसरे का डी एक्स अपॉन एक्स का रूट है, यहाँ पे रूट
क्यूब रूट ऑफ एक्स ये लिखा जाता है। क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ बेटा, एक्स के ऊपर रूट मतलब पावर 1/2 इसके, ये क्यूब रूट है इसके पावर क्या 1/3 लगेगी है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये पावर अगर खतरनाक पावर आ रही है यहाँ पे ना 1/2 1/3 तो दिक्कत करेगा ना। तो अपन कह रहे हैं कुछ ऐसा करो ना कि खतरनाक पावर खत्म हो जाए, यानी खतरनाक पावर मतलब इसका फ्रैक्शन खत्म हो जाए, एक्स कुछ ऐसा पढ़ करो ताकि ये पावर्स ख़त्म हो जाए। तो हम कह रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो एक्स के पावर एक्स इक्वल टी की पावर 6 पुट कर देंगे। क्यों टी की पावर 6 करोगे तो क्या होगा, तो एक्स टी की पावर 6 रखेंगे, 6 के ऊपर 1/2 पावर आएगी, कट पिट के 3 आएगा, फ्रैक्शन ख़त्म। टी की पावर 6 रखेंगे, 6 के पावर 1/3 कितना होगा बोलो, टी स्क्वायर आएगा, तो पावर में क्या फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। अभी आसान बन जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन सिंपलीफाई जाएगा। तो तरीका क्या था, लॉजिक क्या था, इन दोनों के जो पावर है अगर फ्रैक्शन में है और हमने फ्रैक्शन ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, एक्स का क्या करेंगे, टी की पावर क्या लगाएंगे, इनका जो सबसे छोटी संख्या है ना एलसीएम वो ले लेंगे। टी की पावर 12 पुट कर सकते हो, टी की पावर 18 भी पुट कर सकते हो, वो वैल्यू वो पावर लगाएंगे जो इन दोनों से डिविजिबल, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं दोनों से डिवाइड होने वाली, तो अपने सबसे छोटी ले ली, लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया, वो 6 है, एलसीएम ले लिया इसका 6, ठीक है। तो एक्स इक्वल टी की पावर 6 करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोले क्या हुआ, एक्स का डेरिवेटिव 1 के साथ क्या हुआ डी एक्स, इसका क्या होगा बताओ 6 आगे पावर में से कम करेंगे और इसका डेरिवेटिव 2 होगा, डी एक्स क्या लिखेंगे 6 टी की पावर 5 दिखती है ना, जब डी एक्स होता है ये ले देंगे, और यहाँ रखेंगे एक्स लिया टी की पावर 6 इसकी पावर 1/2, यहाँ रखेंगे टी की पावर 6 इसकी पावर 1/3, 6 बाहर निकाल देंगे, यहाँ क्या हुआ टी क्यूब बचा गया, तो यहाँ क्या हुआ टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा टी स्क्वायर कॉमन टी प्लस बनेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ कितना आएगा बताओ, यहाँ पे बोलो 6 पर टी क्यूब डी टी अपन क्या यहाँ पे टी प्लस बनेगा, है क्या होगा टी की पर 5 में टी की पर 2 काट देंगे तो क्या होगा टी क्यूब बचेगा, ये आ जाएगा। अब ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर है तो अब क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे है ना, टी को ऊपर टी प्लस 1 करेंगे डिवाइड, तो क्या किस पर जाएगा टी स्क्वायर पर जाएगा, कट जाएगा बेटा माइनस टी स्क्वायर आएगा, अब किस पर जाएगा माइनस टी पर जाएगा, चलिए प्लस का टी आएगा, अब किस पर जाएगा प्लस 1 पर जाएगा, लो तो टी प्लस 1 आ जाएगा कट जाएगा माइनस, क्या आया ये तो आया कोशेंट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो कोशेंट आया अरे क्या माइनस 1 अपन क्या होगा टी प्लस 1 स्टार्टअप, टी स्क्वायर कंडीशन क्या होता है टी क्यूब बाई 3, ठीक है क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 क्या हो जाएगा टी, तो क्या होगा लॉग ऑफ टी प्लस 1, क्यों 1 बाई लीनियर है और 1 बाई लीनियर क्या होता है लॉग ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर का डायरेक्टिव प्लस से, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या थी बोलो, जब एक्स इक्वल टू ये था तो फिर टी कितना आएगा एक्स की पावर 1/6 आएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी एक्स की पावर 1/6, तो इसमें जहाँ टी और रखेंगे एक्स की पावर 1/6 उसकी क्यूब बाई 3, जहाँ टी और रखेंगे एक्स की पावर 1/6 जहाँ पर टी और रखेंगे एक्स की पावर 1/6, ठीक है बेटा। तो कर दें तो क्या होगा 6 टू अपर एक्स की पावर 1/2 आ गया तो अपॉन 3, एक्स की पावर 1/3 आएगी पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यह इसका आंसर आ गया, ज़्यादा करते तो इसको 6 से गुणा कर दो, ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरे का थर्ड पार्ट, ठीक है। इतना जरा काम करने मुश्किल नहीं है ना, तो लॉजिक पता लगे ना कैसे करना है। थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ठीक है। थर्ड का फोर्थ पार्ट में हिंट देता हूँ आपको।
ये फोर्थ पार्ट, ठीक है, बहुत आसान है। तुम कह रहे हैं इसमें इससे को टी पर करेंगे, इसलिए मेरे को टी पर करेंगे रूट समेत। स्केयरिंग बोथ साइड्स एक्स के लिए आ गया, फिर टी स्केयर माइनस वन। अब करेंगे डेरिवेटिव एक्स का डायरेक्ट डी एक्स टू टी 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 कर दो एक्स स्केयर, एक्स दे रखें टी स्केयर माइनस वन, इसकी पार्ट दो हो जाएगी, इसलिए रखें टी रूट ऑफ एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स का टी इक्वल डी एक्स कितने यहाँ पे टू टी फिफ्टी। तो बाहर निकाल देंगे टी इंटू टी टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे ए माइनस बी का ऑर्डर का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी। टी के पावर छः प्लस टी स्क्वायर टी के पावर फोर गुणा कर दिया मैंने, और अब आपने करना इंटीग्रेशन टी के पावर सेवन बाई सेवन टी के पावर थ्री बाई थ्री टू बार टी के पावर फाइव बाई फाइव प्लस सी, और टी दे रख देंगे वापस, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यह बाबा करना खुद, ठीक है बेटा, पांचवा पार्ट खुद करोगे। ये टाइप आ रही है लीनियर और रूट के अंदर लीनियर बार, तो कह रहे हैं रूट वाले लीनियर को टी पर कर देंगे, चढ़े जैसा ये सेम। अब मैं करा रहा हूँ तीसरे का सातवां पार्ट, ठीक है बेटा, एक्स इंटू नहीं ये नहीं ए की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आपको क्या दिख रहा है रूट के अंदर ये आ रहा है, और तो कुछ दिख नहीं मेरा, तो अपन क्या करेंगे और कोई चारा है नहीं, तो अपन क्या करेंगे कोशिश करते जरा इस सारे को टी पुट करके देखते हैं क्या होता है। रूट से मेरे टी पुट कर दिया, कोई दिक्कत, स्केयरिंग कर दो बोथ साइड्स, कर दिया स्केयरिंग, ई की पर एक्स के लिए निकाल देंगे। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होगा ई की पर एक्स का डेरिवेटिव ई की पर एक्स साथ में क्या डी एक्स, इसे क्या हुआ टू टी, इसका जीरो, तो क्या हुआ टू टी आ गया टू टी इंटू डी टी, ठीक है, तो डी एक्स क्या होगा टू टी डी टी अपॉन ई की पर एक्स, ई की पर एक्स क्या लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ गया डी एक्स के लिए। अच्छा ना, अब ये आई था तो आई वैल्यू आ जाएगी, इसलिए क्या लिख देंगे टी, ठीक है, और डी एक्स क्या लिख देंगे ये रहा टू टी इंटू टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, टू बाहर निकाल देंगे टी इंटू टी टी स्क्वायर देगा या। अब ऊपर नीचे क्या है पावर सेम है, सेम है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, हाँ तो सेम आएगा, डिवाइड नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, नीचे क्या टी स्क्वायर प्लस वन है तो ऊपर टी स्क्वायर प्लस वन बना लेंगे, तो क्या करेंगे एक जोड़ देंगे घटा देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन, तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन की जगह वन आएगा कट पिट के, क्या करें मैंने दो हिस्से कर दिए इसके, अब तो एक्सपर्ट बन गए हो गए इस चीज़ों में जो टी, इसके अपन नहीं करेंगे पूरा वन आ जाएगा और वन अपॉन ये हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन टी, और ये किसका होता है डेरिवेटिव टेन इनवर्स टी का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा टेन इनवर्स टी हो जाएगा प्लस सी, और टी की जगह रखेंगे वापस अब इंटीग्रेशन होते हैं टी की जगह रखेंगे रूट ऑफ इक्की पर एक्स माइनस वन, जहाँ जहाँ टी वहाँ पर वापस रहते हैं रूट ऑफ इक्की पर एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है, ये आपका तीसरे का सेवन्थ पार्ट, तो तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, लगभग सारे मैंने करा दिए, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, कौन सा फिफ्थ पार्ट, चौथा देखो बहुत आसान है, ठीक है, चौथे का फर्स्ट आप खुद करोगे, फर्स्ट में हिंट देता हूँ हिंट, ठीक है, थ्री प्लस लोग एक्स को टी पुट कर देना, आप देख लेना क्यों करेंगे, ठीक है, सेकंड देखो सेकंड, सेकंड भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ बट कर सकते हो आराम से, ठीक है, जुबानी सवाल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे वन बाई एक्स आ रहा है, क्या रहा है, तो वन बाई एक्स किसका होता है डायरेक्टिव लॉग एक्स का होता है, तो लॉग एक्स को टी पुट कर दें, है ना, तो चलो मैं इसको फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये था क्वेश्चन, तो अपन क्या करेंगे पुट करेंगे किसको लॉग एक्स को टी पुट कर दें, करो डायरेक्टिव वन बाई एक्स टी एक्स इक्वल टू डी टी, तो वन बाई एक्स टी एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी टी, और यहाँ क्या लिखेंगे टी, टी की पावर दो हो जाएगी, और टी की पावर दो को लेके ऊपर टी की पावर माइनस दो हो जाएगी, अब टी की पावर माइनस दो क्या हुआ पावर में जोड़ देंगे
बटन पावर लगा देंगे, फिर माइनस वन और टी के पावर माइनस नहीं आएगी, वो नीचे लेंगे वन बाई टू लेगा प्लस, और टी के क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स। ठीक है आसान है ना, और तक अगला आप करना है, थोड़ा हिंट देता हूँ, हिंट क्या मैं वैसे बता देता हूँ, आप पुट करके कर देना क्या हुआ, लॉग एम की पावर एन, तो इसमें पहले प्रॉपर्टी लगा देंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर को हम बाहर निकाल देंगे कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ जाएगा। अब कर दोगे वन बाई एक्स आ रहा है नहीं आ रहा, वन बाई एक्स किसका था डायरेक्टिव लॉग एक्स का, तो इसमें लॉग एक्स को पुट कर देना। पुट नहीं करना तो मैं एक तरीका बताता हूँ, क्या मैं इसका लिख दूँ, देखो इस फंक्शन का डायरेक्टिव गुणा में आ गया, जब किसी फंक्शन का डायरेक्टिव गुणा में आता तो क्या होता है, फंक्शन की जो पावर है ना एक थी यहाँ पे दो हो जाएगी पावर, पावर में जोड़ देंगे बटन पावर लगा देंगे प्लस कर देंगे, और ये आंसर है। ठीक है फॉर्मूले, फॉर्मूले से करवा दिया मैंने, अब मैं सारे सारे फॉर्मूले से बता दूंगा। इसको कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, वन बाई एक्स आ रहा है, वन बाई एक्स किसका होता है डायरेटिव लॉग एक्स का, तो इसमें पुट कर देंगे ना लॉग एक्स पर टी, चलो आराम से जाएगा, क्या हुआ डायरेटिव बताओ लॉग एक्स का, वन बाई एक्स डी एक्स, यहाँ क्या हुआ डी टी, इसका तो वन बाई एक्स साथ में लगा देंगे डी एक्स, टी का डायरेटिव वन, वन साथ में लगा देंगे डी टी, तो क्या हुआ सेकेंड स्क्वायर यार लिख देंगे टी, और वन बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, चलो और सेकेंड स्क्वायर टी का डिफरेंस क्या होता है टेन टी, क्या होता है फोर्टी की वैल्यू का, क्या देंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस। ठीक है ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट, अब आ जाओ पाँचवा क्वेश्चन। ठीक है अब पेज नंबर करते हैं 19वां, ठीक है भाई नहीं पेज नंबर कौन सा था 19वां था, क्वेश्चन नंबर था 5वां बेटा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5वां, पाँचों के बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है मैं आपको अब पुट नहीं करूँगा, आप पुट कर करके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊँगा, लेकिन कराऊँगा किससे, वो जो दो फॉर्मूले लिखाए थे ना उससे करूँगा, पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है आपको पुट भी करना है तो खुद कर लेना पुट, मैं आपको हिंट दे दूँगा क्या क्या पुट करना है, लेकिन करूँगा नहीं मैं उससे। ठीक है क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो शॉर्टकट करने के, ये क्वेश्चन है। ठीक है इसमें आपको दिख रहा है, कह रहा है वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है डायरेटिव टेन इनवर्स एक्स का, तो आप इसमें टेन इनवर्स एक्स को टी पर कर देना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा, क्या मैं इसका लिख दूँ, कर सकता हूँ ना, तो देखो ये फंक्शन है और ये इसका डायरेटिव गुणा में आ गया, इस फंक्शन का डायरेटिव गुणा में आ रहा है, तो क्या होता है जब किसी फंक्शन का डायरेक्टिव गुणा में आता है तो क्या होता है, फंक्शन के पावर में एक जोड़ देंगे, इसके पावर टू है उसमें जोड़ देंगे, बटन पावर लगा देंगे प्लस लगा देंगे, ये हो गया इसका आंसर, बगैर पुट करके बता दिया मैंने, आपने ये प्रैक्टिस करनी है, आगे वाला फार्मूला ये दो फॉर्मूले कर दो नहीं ये रहा। नहीं इसमें नहीं है कौन सा पेज था वो, जब कोई फंक्शन है उसका डायरेक्टिव गुणा में आ जाए तो क्या होता है, फंक्शन के पावर में जोड़ देंगे बटन पावर लगा देंगे प्लस सी कर देंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, नहीं होता इसका डायरेक्टिव गुणा में आ गया तो क्या करेंगे, फंक्शन के पावर में जोड़ देंगे बटन पावर लगा देंगे। बगैर सब्स्टिट्यूशन के मैंने करा दिया तो मैं सारे ऐसे कराऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है, पुट करके आप भी कर सकते हो। ठीक है ये तो डी एक्स के साथ क्या लगा हुआ है साइन एक्स, क्या करना है साइन एक्स, साइन एक्स किसका होता है डायरेक्टिव कोस एक्स के डिफरेंशिएशन में आता है साइन एक्स, तो कोस को पुट कर देंगे, तो इसके लिए क्या हिंट हो गया, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, ये आप कर दोगे आराम से। ठीक है पुट करने के लिए तो आप कोस एक्स को टी पुट कर देना और डिफरेंशिएट कर देना, हो जाएगा आराम से, इसका इंटीग्रेशन कर देना हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बगैर पुट करके कराऊंगा। ठीक है इस पावर को ऊपर ले जाओ, रूट ऊपर जाके हो जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगी पावर। अब देखो इसका करो डेरिवेटिव, इसका जीरो, इसे क्या हो जाएगा
माइनस टू साइन एक्स, कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस टू साइन एक्स आएगा। इस पूरे का डायरेटिव क्या आएगा, माइनस टू साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स तो आ रहा है लेकिन माइनस टू नहीं साथ में, तो अपन क्या करेंगे माइनस टू से गुणा माइनस टू से भाग कर देंगे इसको। ठीक है बेटा, कर दिया। इसका डायरेटिव देखो गुणा में आ गया, अब ये पूरा क्या, पूरा इसका डायरेटिव बन गया, इस फंक्शन का डायरेटिव गुणा में आ रहा है। तो क्या होता है, ये तो यूँ का क्या होता है, फंक्शन की जो पावर है उसमें जोड़ देंगे एक, माइनस वन बाई टू में जोड़ेंगे एक, वन बाई टू आएगा, अपॉन पावर प्लस माइनस थ्री आएगा। कर देंगे माइनस और इसके बाद रूट लगा देंगे। मैंने इसमें पुट नहीं किया, बगैर पुट करके करवा दिया आपको फॉर्मूले के थ्रू, तो आप ये कर सकते हैं। थर्ड देखो, ठीक है बेटा, इसका हमने इंडक्शन करना है, कर दें। देखो इस सारे को पुट करो, इस सारे को पुट करोगे ना बेटा तो इसके डिफरेंशिएशन में आएगा। चलो इसमें तुम्हें पुट करके करा देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टिव क्या होगा, टेन यूनिट एंगल का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस इस एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो एक्स पर छः आ जाएगा, इन टू में क्या होता है एंगल का डायरेक्टिव थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी होगा। तो हमें थ्री तो चाहिए नहीं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पर छः, ये तीन आ जाएगा बटे में वन बाई थ्री डी टी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या होता है यार, इसके जगह तो लिख देंगे टी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन दिस, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन दिस, ये क्या जाएगा वन बाई थ्री डी टी, वन बाई थ्री बार टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, है ना। और टी के वैल्यू क्या रखेंगे, ये एक्स टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो यहाँ पर टी हमारा रखेंगे टेन इनवर्स एक्स क्यूब इसकी पावर दो बटे में छः प्लस सी। ठीक है, ऐसे करना है, कोई दिक्कत। आगे देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, सिंपल है ना। चौथे में हिंट क्या है, हिंट हिंट है टेन इनवर्स एक्स को पुट कर देना, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है यार, एन टी पुट कर दिया अपना समझ में आ जाएगा। क्यों अगर ये भी समझ में आ जाएगा आपको किसी को पुट किया क्यों किया। पाँचों में क्या हिंट, हिंट करना है इसमें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देना, अपना आप हो जाएगा। चौथे में क्या करना, चौथे में टेन रूट एक्स को टी पुट कर देना। चलिए चौथा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डरावना लग रहा है, ठीक है, तो डरावना लग रहा है तो एक आधा मैं बता देता हूँ डरावने और डरावने क्वेश्चन, बट मुश्किल नहीं आ रहा है, आप आराम से कर सकते हो। सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स किसका होता है डायरेक्टिव, टेन रूट एक्स का, ये हिंट था, तो टेन रूट एक्स ही आ रहा है गुणा में, तो कह रहे हैं टेन रूट एक्स को टी पुट कर देंगे। पावर चार को भी मर्ज करना, क्योंकि चार को भी करोगे साथ में तो क्या होगा, फिर पावर चार आ गया कि फिर पावर तीन बचेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इस टेन रूट एक्स को टी पुट करेंगे। करो डायरेटिव, टेन का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ द एंगल इन टू एंगल का डायरेटिव क्या होगा, वन बाई टू रूट एक्स साथ में डी एक्स। मैं कहता था ना बेटा कि डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार कर लो, डायरेटिव में दिक्कत नहीं आएगी, वो बातें याद आ रही नहीं आ रही, अरे याद आ रही नहीं आ रही। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन अच्छे से आ गया वो तो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ये बात मैं चीख चीख के बोलता था लगभग हर वीडियो में, हर ऑनलाइन क्लास में ये बात बोलता था कि सेवन्थ क्लास को अच्छे से तैयार कर लो, सेवन्थ चैप्टर को आप डेफिनेटली इंटीग्रेशन आराम से कर दोगे। ठीक है, तो जिसको प्यार है वो तो समझ में आ रहा है, जिसको प्यार नहीं ना वो मुँह फाड़ रहा होगा आराम से बैठ के। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इधर देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये देखो सारा सेम है ना, तो इसलिए लिखेंगे टू डी टी, और यहाँ देखो यहाँ रखेंगे टी ऊपर पर क्या रहे लो, तो टू पर आ जाएगा और टी की पावर फोर की क्या, टी की पावर फाइव प्लस फाइव, टी के लिए क्या रखेंगे टेन इनवर्स रूट एक्स इसके पावर पाँच प्लस। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, चटा खुद करोगे, चटा चटा तो मैं चलो वैसे बता देता हूँ, बगैर पुट करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं बगैर पुट करे बगैर के बताऊँ कैसे करता हूँ, मुझे सब कुछ टिप्स पे याद है बेटा, मेरे को डिफरेंशिएशन वगैरह के फॉर्मूले याद है, इसलिए मुझे आराम से कर लेता हूँ मैं। तो इसको देखोगे ना आप, इसको ऐसे कर दूँ, बात एक ही तो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसका डायरेटिव है, तो इस फंक्शन का डायरेटिव गुणा में आ गया, तो क्या करेंगे इस फंक्शन की जो पावर है ना
उसमें जोड़ देंगे, एक टू पावर आ जाएगी अपन में टू प्लस। ठीक है, अगला भी कर दोगे सेवन्थ पार्ट में। सेवन्थ पार्ट में तुम्हें हिंट देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स पर टी पर कर देंगे आराम से। ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत आराम से कर दोगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब करता हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। ठीक है, सिक्स्थ में क्या करना है देखो यहाँ पे। चलो ये सिक्स्थ क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देते हैं।